तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस तरह का इमरजेंसी बल्ब, एसी डीसी बल्ब है, इसमें क्या क्या समस्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सूर्या कंपनी का 10 वाट एसी डीसी बल्ब है। जैसे लाइन रहता है तो लाइन से जलता है, लाइन कटने के बाद भी ये जलता है। इसे मिनी इन्वर्टर भी बल्ब बोलते हैं। तो इसको रिपेयर करना आपको बताएँगे, बस हमारे चैनल पर बने रहिए। देखिए, एलईडी जल नहीं रहा है, तो यहाँ पर पहले हम इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, जल नहीं रहा है, कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। और ये दूसरा वाला बल्ब देख रहे हैं, यहाँ पर सही है। ये वाला जो हमारा बल्ब एसी डीसी वाला, एक ख़राब है। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर इसके लॉक को खोलना होता है, किसी पेच इस तरह का पेचकस लेके आपको ये जो लॉक है, इसी लॉक को यहाँ पर हल्का हल्का प्रेस करना होगा, जिससे ये खुल जाता है। चलिए, हम इसको खोल लिए हैं। इसको रिपेयर करना हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, घर पर रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका सर्किट जो है, आप देख सकते हैं इसका फ्यूज रेजिस्टेंस ओवर वोल्टेज से डिफ्यूज हो गया है। यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर भी फट चुका है, ये वोल्टेज ज़्यादा आने से ही ऐसा होता है। तो चलिए, यहाँ पर इसको हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे, जिससे आप भी घर पर रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लेंगे, उसको बजर रेंज पे करके सबसे पहले इसका जो एसी पॉइंट है हमारा, एसी इन एसी टू, जो मेन वायर इसका आता है होल्डर वाला, सबसे पहले यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस पे होके जाता है सप्लाई। तो रेजिस्टेंस वैसे भी देखने में पूरा फट चुका है, फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। तो इसको निकाल लेके दूसरा वाला लगाना है। चलिए, इसको हम लगा के रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, जिससे आप भी घर पर रिपेयर करेंगे। तो इस तरह का जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है, एक तरह का ये फ्यूज होता है, जैसे हमारे घर में जो बोर्ड लगा रहता है उसमें फ्यूज होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है प्लेट में या कहीं चीज़ तो उड़ जाता है, उसी तरह ये फ्यूज होता है। तो इसको फ्यूज को निकालने के लिए हमारे पास पुराने पुराने सर्किट होते हैं, उसको हम फेंकते नहीं हैं, इसी में से एक एक कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी पुराने कंपोनेंट से एक फ्यूज रेजिस्टेंस को निकाल लिया हूँ, इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इसको चेक कर लेना है कि ये सही है कि ख़राब है। यहाँ पर बजर रेंज दे रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस ओके है। चलिए, इसको जहाँ से हमारा ख़राब हुआ था वहाँ पर देखिए, इस तरह का लोगो बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इसी में इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस डिफ्यूज हुआ था, ख़राब हुआ था, उसको यहाँ पर लगा लिए हैं। इसको अच्छे से सोल्ड कर लेना है, कहीं हिलने डुलने न पाए। इस तरह से हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस लग चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर है जो रेड कलर का है, ये भी फट चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसी नंबर का हमको पीएफ कैपेसिटर जो 104 जे है, ये हमारे पुराने सर्किट होते हैं, इसमें भी लगा रहता है। तो इसी में से हम इसको इसी नंबर का निकाल लेंगे। इसको ना लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कभी काल ओवर वोल्टेज आता है, तो जिससे हमारा शॉर्ट होके वोल्टेज आगे नहीं जा पाता है सर्किट के आगे, जिससे हमारे सारे कंपोनेंट्स बच जाते हैं। और यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं किसी कंपोनेंट में से, सर्किट में, तो पुराने सर्किट में से इसको हम निकाल लेते हैं सेम इसी नंबर का। अब इसको इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, फिर भी इसको जो यहाँ पर जो लिखा रहता है इसको आगे की तरफ लगाना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर लगा लेना है, इसको अच्छे से सोल्ड कर देना है। देखिए, लिखा वाला सामने हमारा है, इसमें एक लगा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ सामने है, तो इसको सामने की तरफ लगाए हैं।
नीचे अच्छे से इसको सोल्ड करना है। अभी रिपेयर लगभग पूरा होने वाला है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एमओबी लगा हुआ है, अगर बाय चांस ये नहीं उड़ पाता है ओवर वोल्टेज से तो सीधे एमओबी उड़ जाता है। यहाँ पर कॉइल भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर यहाँ पर और लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक एमओबी लगा हुआ है। ये छोटे छोटे कंडेंसर लगे हुए हैं जो सप्लाई फिल्टर करके आगे की तरफ देते हैं। और 100 वोल्ट 68 UF का कैपेसिटर लगा है, ये फिल्टर कैपेसिटर है जो सप्लाई को यहाँ पर एलईडी की तरफ देता है जिससे एलईडी जलता है। यहाँ पर एसएमडी डायोड भी लगा हुआ है और एक आईसी यहाँ पर लगाई हुई है और दूसरी वाली आईसी हमारा जो बैटरी वाला है, ये सप्लाई जो यहाँ से होके आगे की तरफ जाता है यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तो जल्दी कभी काल ये भी ख़राब हो जाता है जिससे हमको सप्लाई डीसी वाला नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अब लगभग कंपोनेंट लग चुके हैं, इसका एक वायर हमारा जो होल्डर की तरफ से निकला हुआ है एक वायर हमारा देखिए जल चुका है। इसको यहाँ पर लगाने के लिए एक छोटा पड़ रहा है तो वायर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो वायर मेन वाला एक छोटा हो गया था तो यहाँ पर जोड़ के अच्छे से यहाँ पर टेप अप लगा दिए हैं। अब इसको कनेक्शन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर हमारा कनेक्शन पहले से हुआ है, दूसरा वाला वायर हमारा यहाँ पर फ्यूज रेजिस्टेंस के सटे हुए। तो दूसरा वाला वायर हमारा जो है फ्यूज रेजिस्टेंस से होके जाता है। देख सकते हैं एक वायर हमारा टूटा हुआ था तो इसको हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद अब इसको यहाँ पर चेक करेंगे क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस हुआ था ये नया लगा है। उसके बाद यहाँ पीएफ का फिल्टर है ये भी नया लगा है, कभी कभी कॉइल भी ख़राब हो जाता है लेकिन कॉइल सही है और ये एमओबी भी लगभग सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपेसिटर है फिल्टर वाला और यहाँ पर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो अब चलिए इसको यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। चलिए इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब बन के तैयार है। तो चलिए यहाँ पर होल्डर को लगा के चेक करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इस तरह से होल्डर में लगा लेंगे, उसके बाद अब इसको सीरीज में ही चेक करेंगे। कोई भी कंपोनेंट जब तक रिपेयर ना हो जाए उसको सीरीज में चेक किया जाए। चलिए इसको हम सीरीज में सप्लाई देते हैं। सप्लाई देते ही देखिए हमारा एलईडी बल्ब जलने लगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सीरीज भी ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं ब्राइटनेस पूरी है, हल्का हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है, कैमरे की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो इस तरीके से आप घर पर एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं और इसको आप घर पे बनाइए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इसको आप इस प्रकार से निकाले थे, इसको अच्छे से फिट कर लेंगे और ये देखिए हमारा एक पीएफ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ख़राब हुआ था, इसी दो कंपोनेंट की वजह से ये हमारा एलईडी बल्ब डेड पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से फिट उट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते